लगता है बादल आज जमकर ही बरसेंगे। भाभी आपका भाई। मैं अभी आई हूँ, ये लो कॉफी पी लो। खिड़की से बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, पता ही नहीं चला कब कौन कमरे में आ गया। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे भतीजे ने फरमाइश की थी कि अम्मी इतना अच्छा मौसम है, गर्म गर्म कॉफी होनी चाहिए। मैंने सोचा तुम जाग रही होगी, मैं ले आई। शुक्रिया भाभी। ये मौसम भी ना मुझे मेरे जैसा ही लगता है, खामोशी से बरसता है, किसी से शिकवा नहीं करता। हेरा इधर देखो मेरी तरफ, रो रही हो? हिम्मत से काम लेते हैं, कभी वक्त एक जैसा नहीं रहता। सही कहा, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप तो बाहिम्मत हैं, लेकिन मैं बिखर जाती हूँ कभी कभी। हीरा तुम छोटी सी थी जिस दिन मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, उस दिन से आज के दिन तक मैंने बड़ी भाभी का राज देखा है इस घर में, यहाँ तक कि तुम्हारे भैया भी उनकी हर बात मानते हैं। वो तो हर बात ऐसे करती हैं जैसे हुर्फे आखिर है। उनका इख्तियार है हमारी जिंदगियों पर, हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते। अच्छा छोड़ो, तुम दिल बुरा मत करो। दानिश के कमरे में जाके कॉफी पीते और मौसम को भी एंजॉय करते। आज आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे भाभी वो सॉरी मेरी आंख देर से खुली है, आप हटे, मैं नाश्ता तैयार कर देती। अरे नहीं नहीं मैंने नाश्ता बना लिया है, तुम ऐसे करो दानिश को उठा दो। उठा नहीं वो अभी तक? अरे तीन चार दफा गई थी उठाने, फिर से सो जाता है वो। चले ठीक है मैं उठा देती। सही दानिश, 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 अरे उठना, सुबह हो गई है। दानिश उठ, दानिश, अरे उठ जाना, अम्मा की झड़कियां खा के उठेगा क्या? मालूम है ना इस घर में नाश्ता सिर्फ एक बार लगता है, बस उठ। फूफो मैं आप और अम्मी जैसा नहीं हूँ जो बड़ी अम्मा से डर जाओ, और वैसे भी वो कौन होती है मेरे स्कूल बनाने वाली। हाँ भाई बहुत अकड़ दिखा रहे हो ना, अभी अम्मा आ गई ना तो भीगी बिल्ली बन जाओगे। भूल है पप्पू आपकी। हाँ हमारी भूल ही सही, आखिर तुम इस घर के इकलौते पोते जो हो, तुम्हारी लोग नहीं सुनेंगे तो क्या हमारी सुनेंगे? वो 10 पोते भी होते हैं ना तब भी मैं ऐसा ही होता। चल उठ जाके जल्दी से फ्रेश हो जा। चले मैं वॉशरूम से हो गया। गजब खुदा का, आज नाश्ते में इतनी देर हो गई, तुम अकेली किचन में काम कर रही हो? ये हीरा कहाँ है, क्या अब तक सो रही है? एक नाश्ता बनाने में इस लड़की की जान जाती है। मैं भी इंसान हूँ, अकेली क्या क्या देखूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी है मेरे सर पर, किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, हद हो गई। पप्पो क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपको पता है ना इनकी आदत का। समझ नहीं आता ये मुझसे
क्यों दुश्मनी निकालती है? लो, ये बात तो अम्मी भी बोलती हैं, तो आप भी एक दफा हिम्मत करके इनसे पूछ लेना कि आखिर ये किस चीज की दुश्मनी निकाल रही है आपसे। फ्रेश हो जल्दी से, आ नाश्ते की टेबल पे। भाभी, भाई ने नाश्ता कर लिया? अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे भाई कल दफ्तर से ही चले गए थे हैदराबाद, उनको कोई काम था, आज रात तक आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। रजिया जी, अरे चाय ला दो भाई, लेट हो रहा हूँ मैं। जी अभी लाती हूँ। वो चाचा जान, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा बेटा ले लेना। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। आप चाय तो पीते जाएं। अरे नहीं भाई, पहले ही बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ, रहने दो चाय। अल्लाह हाफिज़। पैसे तो सारे बड़ी अम्मा के पास होते हैं, उनसे मांगो ना। लो भला मेरे पास कहाँ पैसे बचते हैं, पूरा महीने का खर्च उठाने के बाद कुछ भी नहीं बचता, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो आप मेरे अब्बू से कहिए ना कि आपके पैसे बढ़ा दें। लो सबसे ज्यादा नखरे तो तुम्हारे होते हैं, ये खाना है ये नहीं खाना। हाय बड़ी कहीं से। चले मैं आपको इजाजत देता हूँ, 500 रुपए दे दें आपसे। ओ हेलो, तुम कौन होते हो इजाजत देने वाले? एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, और ऊपर से तुम मुझे ही। कुप्पो भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हुमा, दानिश की बात का बुरा मत माना करो, इसकी तो आदत है मजाक करने की, कभी सीरियस ही नहीं होता। दानिश कभी तो सीरियस हो जाया करो। मजाक नहीं करता, तंज करता है, जान जलाता है हमारी। अच्छा कल ही तो इसने अब्बू से झूठा प्यार जताकर 1000 रुपए लिए थे, अब कौन सी जरूरत पड़ गई इसको? जबान को लगाम दो दानिश, तुम्हारा बाप इनका चचा भी है, ये क्यों झूठा प्यार जताएंगी? मेरी बच्ची हरगिज भी ऐसी नहीं है, खूब छूट दे रखी है तुमने रजिया इसको। दानिश चुप हो जाओ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। देखे चाची, मुझे दानिश की तरह यूं लपेट लपेट के बातें मारने की आदत नहीं है। भाभी वो गर्मियां आ गई हैं, इन कपड़ों में बहुत गर्मी लगती है मुझे, बहुत मोटे कपड़े हैं ये, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो एक दो सूट लेकर आने। बीबी पैसे जो है ना दरख्तों पे नहीं उगते, समझ आई? बड़ी मुश्किल से इस घर का खर्चा चलता है, नहीं है मेरे पास पैसे इन फजूल बातों के लिए। भाभी एक सूट। इस घर में नाश्ता भी ढंग से नहीं हो सकता। सुबह में ये दोनों उंगलियां सुन हो रही होती हैं मेरी। हो जाएगा ठीक, ये ले। वैसे अम्मी एक बात है, आपने रजिया चची और हीरा पप्पो दोनों को तो कंट्रोल में कर लिया, लेकिन ये डीड दानिश आपकी सुनता ही नहीं है। पूरे खानदान का इकलौता बेटा है वो, अगर मेरी यहाँ भी एक बेटा हो जाता फिर देखती वो कैसे बोलता। पर अम्मी जब शाहिद चचा आपसे हर काम पूछ के करते हैं तो फिर ये किस खेत की मूली है? सारी बात तुम्हारे बाप की है, अगर तुम्हारे चचा की कमाई ना हो तो तुम लोग के ऐश पूरे ना हो। सीधी सी बात है, तुम्हारे बाप की एक छोटी सी नौकरी है, अब उसमें सिर्फ सांस ले लें तो बड़ी बात है, ये तो तुम्हारी चचा की आमदनी का आसरा है जो ऐश पूरे हो जाते हैं। और वैसे भी दानिश को हीरा पप्पू और रजिया चची का इतना सपोर्ट है, तभी तो करता है। हैं दोनों बहुत मीसनी, मेरे सामने तो कुछ बोलती नहीं है, और दानिश को मेरे लिए तैयार कर रही हैं कि वो मेरे मुकाबले आ जाए, और दानिश जवान खून है, समझता है सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो मेरी चालों को नहीं जानता। अच्छा अम्मी खैर ये सब छोड़ें, हम कल नानी की तरफ चलें। अरे रहने दो, मैंने फ़ोन किया था तुम्हारे मामू को, नानी आएंगी कल। अरे वाह 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 वाह, तुम दोनों चुड़ैलों में से किसी का रिश्ता आ रहा है क्या?
चुड़ैल किसे कहा तुमने? भला तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई है? उठो निकलो यहाँ से। पहले बताओ तो सही है, तैयारी हो किस लिए रही है? जो भी है तुम इससे क्या चाहते हो कि बुलाऊं अम्मी को? ओ हेलो, मैं भी नहीं डरता तुम्हारी अम्मी से। आ रहे होंगे तुम्हारे ननियाल वाले, महीने में 3-4 दफा तो मुफ्त खा ही जाते हैं। अम्मी अम्मी, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? तुम लोग क्या नाश्ते में हरी मिर्चे खाते हो? हर वक्त जली कटी बातें करते रहते हो। अब तुम जा रहे हो यहाँ से कि नहीं? जा रहा हूँ, कर लो सफाई। दानिश बेटा, तुम मुझे क्यों डांट पड़वाते हो रोजाना अपने बाप से? तुम्हें मालूम तो है तुम्हारी बड़ी अम्मा की आदत और उनकी बेटियों की आदत का। अम्मी, वो लोग जो आप और पप्पो के साथ करती है ना, वो मैं रोजाना देखता हूँ। अब्बू की तो आंखें बंद है पर मेरी नहीं है। और वैसे भी आप लोगों को तो जुम्मन ज्यादतियां सहने की ना आदत सी हो गई है। तो क्या फायदा है ये सब कुछ करने का? मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपका और पप्पो का बदला ले लिया। तुम ये सब कुछ कह के तो चले जाते हो, बाद में तुम्हारा बाप मुझे कहता है कि शायद मैं ये सब कुछ तुम्हें सिखाती हूँ। अम्मी आप इतना डरती क्यों है, जबकि आपने इस घर को एक वारिस दिया है। बेटा दानिश, तुम्हारी बड़ी अम्मा मुझे इस घर में ब्याह कर लेकर आई हैं। मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, इसी चीज का तो उन्होंने फायदा उठाया। और जिस दिन मैं इस घर में आई थी तो मेरी सास नहीं थी, मैंने पहले दिन से ही बड़ी अम्मा का राज देखा है। और जो ये तुम्हारी फुप्पो है ना हिरा, ये छोटी सी थी, इसे भी मैंने पाला है। अजीब बात है, याशी सारे हमारे पैसों पे करती हैं और गुर्राती भी हम पर हैं। अच्छा बस अब चुप कर जाओ, तुम सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे करो। और ये घर की सियासत में तुम दिलचस्पी क्यों लेने लगे? आपको तो पता है मैं तो हमेशा ही टॉप आता हूँ। इंशाल्लाह मेरा बेटा टॉप ही करेगा। मेरे घर वाले आने के लिए निकल चुके, क्या खाना तैयार हो गया या नहीं? हाँ भाभी, कोफ्ते और शामी कबाब बिल्कुल तैयार है और बिरयानी को दम पर लगा दिया है। और मीठा? वो तो रजिया भाभी ने पहले से बना के रख दिया। ठीक है, सलाद और रायता भी बना लेना। जी। और सुनो, कभी अपने हुलिये पे भी ध्यान दे लिया करो। जब मेरे घर वाले आते इसी तरह फकीरों की तरह सामने आ जाती हो। वो लोग भी जाने क्या सोचते होंगे। जा जाके अपना हुलिया सही करो। बाजी, खाना बड़ा मजेदार था, किसने बनाया था? हाँ भाई, खाना तो वाकई ही मज़ेदार था, मीठे की तो हद हो गई, बहुत मज़े का था। भाई किचन जो है वो हिरा और रजिया संभालती है, अब मेरे ऊपर तो पूरे घर की जिम्मेदारी है, मैं कहाँ ये सब कर सकती हूँ। ऐसा है माँ, तेरी देवरानी और नंद को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि दो घड़ी आके हमारे साथ ही बैठ जाती। देख बाजी, अगर शादी के बाद हिरा ने अम्मी को अहमियत ना दी ना, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो असल में हीरा को थोड़ी मालूम है कि उसका रिश्ता हमारे घर होने जा रहा है, अब वो तो पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही है। अच्छा ये बता, दानिश तुम्हारे हाथ में आया है कि नहीं? आई ना जाए वो इनके हाथ में। खैर नानी मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होने दोस्त के घर जाना है। अल्लाह हाफिज। ऐसा है माँ, मेरी तो बात मान ले, दानिश के साथ एक बेटी की शादी कर दे। आखिर शाहिद का जो कुछ भी है वो सब दानिश का तो होगा। अम्मा बात तो तुम ठीक कह रही हो,
एक तो मैं मैचिंग शर्ट पहन के आया तुम्हारी मोहब्बत में, ऊपर से तुम मुंह लटका के बैठी हुई हो, बता सकती हो क्यों? तुम जानते हो मैं तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ। तुम लड़कियों को शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है? जल्दी प्लीज, 4 साल से मेरे कान पक गए तुम्हारे बहाने सुन सुन कर। मैं बहाने नहीं बना रहा। देखो सीधी सी बात है, मुझे लगता है तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो, और वैसे भी अब तो तुम मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं करते हो। नया नया ऑफिस है, नई नई जॉब है, बस इसीलिए यार। पहले तुम्हारी पढ़ाई के मसले, अब जॉब, अब दूसरा कौन सा मसला है? मैं अपनी मम्मा से बात कर लूंगा, बस अब खुश। मुझे तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे? एक तो तुम्हारी ये शक करने की आदत, मैं बता रहा हूँ शादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। चलो अब जूस पी लो, पी लो ना। That's like a good girl. देखो शायद मेरी बात सुनो, अब भी वक्त है, उस पे अपना रौब रखो। लड़का जात है, अगर हाथों से निकल गया तो जिंदगी भर का रोना होगा। क्या करूं भाभी, मेरे जितना कद हो रहा है उसका। खैर सुबह खबर लेता हूँ, बल्कि अच्छी खासी डांट पिलाऊंगा मैं। नहीं सुबह नहीं, अभी बुलाओ और अभी उसकी खबर लो, आखिर उसको भी पता चले कि बाप का रौब क्या होता है। जो हुक्म आपका भाभी, अभी पूछता हूँ मैं। दानिश, दानिश जी। अब्बू कोई काम था? काम के बच्चे, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बेसुकून करने का फैसला किया हुआ क्या? नहीं मैंने कुछ किया है और ना ही अम्मी ने। उस सौरभ की वकालत मत करो, ये उसी की शय का नतीजा है, और तुम्हें छोटे बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है? क्या कहा तुमने भाभी के बालों को मुफ्त का खाते, और तुम्हारी माँ ने उसको सलाम करना भी गवारा नहीं किया। एक बात सुनो मेरी, इस घर में नहीं मनमानियां नहीं चलेंगी, और कल से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे, समझे? पर आवाज ना निकले तुम्हारी, एहसान फरामोश हो रहा था तुम, भूल गई ये भाभी तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेके आई थी, और वो सिर्फ भाभी के मैके वाले नहीं, फिर आके ससुराल वाले भी। आप ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप हीरा पर? हीरा मेरी बहन है, जहाँ बेहतर समझूंगा मैं उसका रिश्ता करूंगा। अरे तुम तो भाभी का एहसान मानो, जो सब कुछ जानते हुए उसे अपने घर की इज्जत बना रही है, वरना वो तो भाग गई थे घर से हमारे सर पे कलंक टीका लगाकर। हटो पीछे। क्या बना तेरी फूफो का? अबे दिल करता है उस राजू को जाके ना मैं शूट कर दूं, किसी तौर भी मेरे फूफो के काबिल नहीं है वो। अबे शूट करके जेल चला जाएगा वो हजरत, तेरी फूफो को ब्याह कर ले जाएगा। वैसे एक बात बता, तुम लोगों ने अभी तक हीरे फूफो की शादी क्यों नहीं की? क्या वो शादी नहीं करना चाहती थी? अरे नहीं यार, फूफो तो बहुत ही साबिर औरत है, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मुझे अम्मी ने बताया कि वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करती थी, तो बड़ी अम्मा ने उनका किरदार उनके भाइयों के आगे इस तरीके से पेश किया कि जैसे वो घर से भागने वाली हैं, तो फिर अब्बू और ताया उस बंदे के दुश्मन बन गए। तो अब पता चली असल बात, वो अपने जाहिल नकट्टू भाई से तेरी फूफो की शादी करवाना चाहती थी। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, वो जाहिल और निकट्टू के साथ साथ जुवारी भी है, उसकी गैदरिंग भी ठीक नहीं है, कुछ हल निकालना यार इस बात का। यार एक हल है मेरे पास। अच्छा तो बता। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। खुश? बहुत खुश।
मुझे नहीं बताओगी? तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती ना, इसलिए नहीं बताओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है जानने का। अरे अच्छा ना, सॉरी नाराज क्यों हो रही हूँ। अच्छा सुनो, तैमूर है ना, वो मेरा रिश्ता ला रहा है। वो तो 4 साल से ला रहा था। नहीं अब पक्का ला रहा है। कह रहा था कि आज ही वो अपनी मम्मा से फाइनल बात करेगा और फिर इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद रिश्ता ले आएगा। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। आमीन। चाय। थैंक यू सो मच फूफो, वाकई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। थैंक यू फूफो। वो चाय पियोगे ना तो ठीक हो जाएगा। थैंक यू फूफो। वैसे हुमा, इनके वाले की तरह कहीं तुम्हारा वाला भी आसरा देकर ना भाग जाए। इनके वाले की तरह? तैमूर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वैसे भी अब फूफो की शादी की उम्र तो निकल चुकी है ना, अब वो हमारे बच्चे ही संभालेंगे। ये देखो बेटा, इन दोनों बिलों को टैली करो। अगर दोनों में फर्क हुआ तो समझना कोई मसला है। ठीक है। और हाँ, ये साजी साहब जो है ना, मेरे बहुत पुराने अकाउंटेंट हैं। जहाँ तुम्हें परेशानी हो इनसे मशवरा करना है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम बेटा। भाई शाहिद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नए ऑफिस की। बस भाभी, ये तो सब आपकी दुआओं का नतीजा है। चाचू मैं भी आपके बिजनेस में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी, उसको मैं बगौर देखूंगा, देन बताऊंगा कि तुम्हें काम मिलेगा या नहीं। तुमसे बात कौन कर रहा है? तुमसे चाचू से कह रही हूँ। देखो बेटा, अब ऑफिस की सारी जिम्मेदारी दानिश के ऊपर है। मैं तो सिर्फ इसकी बैक पे रहूँगा रहनुमाई के लिए। अब ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज इतनी मेहनत कहाँ कर सकता है बेटा। पर चाचू अब मुझे मौका तो दे, मैं दानिश से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। पहले अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लो, मुझसे अच्छा काम करोगी। तुमसे बात कौन कर रहा है, चुप नहीं रह सकते? देखो शायद एक मौका तो हुमा को देना चाहिए, और तुम तो वैसे भी अपने भाई को जानते हो। चंद हजार की नौकरी करने को वो बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं, और बाकी फारिग टाइम में दोस्तों के साथ। और वैसे भी तुमने भी तो अपनी मेहनत से ही बिजनेस कायम किया है। ठीक है भाभी, मगर अगर तालीम मुकम्मल कर लेती तो अच्छा था। खैर तुम एक काम करो, दानिश के साथ ऑफिस चली जाया करो। थैंक यू चाचू। वेलकम बेटा। अच्छा मैं भी आता हूँ। इसका मतलब मम्मी ठीक कह रही थी, अब सारी भाग दौड़ दानिश के हाथ में है, इसको हाथ में लेना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नानी। जी मम्मी, खैरियत? क्या जी? ये ले मम्मा, नानी। हेलो जी अम्मी, क्या कैसे? ये लो। अरे वाह, खैरियत है ना? इतनी मेहरबानी है कैसे? ये सब तुमने करवाया है ना? क्या बोलो? मासूम नहीं बनो। राजू को गिरफ्तार तुमने करवाया ना? बोलो। नहीं बोलो, नहीं। वो अपनी हरकतों की वजह से जेल गया। मैं और तनवीर तो जस्ट वसीला बने। आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के कितना अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, वो भी जेल चला गया और बड़ी अम्मा का ख्वाब भी चकना शुरू हो गया, जो आपको इस घर की बहू बनाना चाहती थी। मैं तो बहुत ही डर गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। देखें पप्पो, बुजदिलों को ना दुनिया जीने नहीं देती। आप बस अब ठीक तरह से बताएं मुझे। अच्छा ये बताओ कि वो हुमा भी तुम्हारे साथ ऑफिस में लग गई है क्या? अरे बेफिक्र रहें, इतना काम दूंगा ना दोनों को
कि वैसे ही भाग जाएंगे। और वैसे भी दोनों बहनें ना बहुत काम चोर हैं। एक बात तो बताएं पप्पू। बोलो। कमाल अंकल कहाँ हैं? कमाल? कौन 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 कमाल? अच्छा, तो अब मुझसे भी बातें शेयर नहीं की जाएंगी? ऐसी बात नहीं है, एक तू और भाभी तो है जो मेरे हमदर्द हैं, वरना अम्मा ने तो पता नहीं मेरे सगे भाइयों की आंखों में क्या पट्टी बांध दी है कि वो अपनी ही बहन को भूल गए। देखिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपके और अम्मी के साथ की गई हर ज्यादती का बदला मैं लूंगा, आप बस मुझे सब कुछ ठीक तरीके से बताएं। हर वक्त इसमें लगे रहिए, कभी घर का भी ध्यान कर लिया कीजिए। घरेलू सियासत से फुर्सत मिल गई, ये राजू छूट गया जमानत पर। वो काम भी शाहिद ने करवाया, आपको तो फुर्सत नहीं थी ऑफिस से। अरे भाई, ऑफिस के काम से हैदराबाद गया हुआ था। अच्छा, राजू को इतनी बुरी बुरी आदतें लग गई, तुमने हम लोगों से छुपा के रखा। मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है, समझे? शाहिद बता रहा था रंगे हाथों पकड़ा गया, वो जुआ खेलते हुए जुआरी कहीं का। आपके ऑफिस वाले तनख्वाह तो बड़ी मामूली देते हैं और काम ढेरों ढेर ले लेते हैं। शाहिद को देखिए, अपना बिजनेस खड़ा कर लिया उसने। मैं तो दानिश के साथ पीछे लगी हुई थी कि हुमा भी जाए, लेकिन वो कामचोर एक दिन में भाग गई। वैसे हुमा करेगी क्या? मैट्रिक तक तो पास कर नहीं सकी, जॉब क्या खाक करेगी? तुमने अगर अपनी बेटियों को फैशन के अलावा थोड़ी बहुत तालीम दी होती ना, और उनको घर गृहस्थी सिखाई होती, तो कम अज कम आज किसी काम की तो होती वो। आप तो चुप ही रहें, माफ कर दें मुझे, हर वक्त मेरी बच्चियों के पीछे लगे रहते हैं। हाँ, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। चल। यार, I'm too much tired यार, मैं कल बात करता हूँ अभी। ठीक है? ओके, बाय। दानिश बेटा आ गए ऑफिस से? थक गए होगे, चाय पियोगे? सना जी। सना बेटा, मैंने चाय बनाई है, दानिश को निकाल के दो। जी अम्मी, मैं आई। ओ तेरी, कहीं मेरे कत्ल की साजिश तो नहीं हो रही? और बेटा काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अपना ख्याल रखा करो, देखो कितने कमजोर हो गए हो तुम। अब क्या पड़ी अम्मा मुझे रास्ते से हटाना चाहती है? ओ, ये बदला हुआ रवैया कैसा? क्या सोच रहे हो? लगता है जहर डालना भूल गई है। क्या? मेरा मतलब है चीनी डालना भूल गई है। हद करती हो सना, जो चीनी डालकर लेकर आओ। जी अम्मी। अपना ख्याल रखा करो बेटा। अच्छा ये बताओ, कल तुम्हारी छुट्टी है, क्या बनाऊं? तुम तो बिरयानी शौक से खाते हो ना, चलो कल तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाते हैं। लो, मेरी पसंद ना पसंद के बारे में भी पूछ रहे हैं। चलो सोने के लिए चलते हैं। मैं सोने जाऊं? मैं बहुत थक गया। लेकिन चाय? नहीं, बस नींद बहुत आ रही है, चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी मेरी। अच्छा जाओ मेरी जान, आराम करो। ठीक है। कहाँ गए अम्मी? तुम पी लो चाय।
का फोन है भाई, उठा ले, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। नहीं बे, हुमा है, बार बार फोन करके तंग कर रही है, रिश्ता लाओ रिश्ता लाओ। मेरे दो बच्चे हैं यार, मेरी बीवी दुबई में थी, अब वापस आ गई है, कहाँ से लाऊं रिश्ता? अबे तो प्यारे, प्यार में इतने आगे जाने की जरूरत क्या थी? अपनी इज्जत का पास उसे खुद रखना चाहिए था। अच्छा तू मेरी बात सुन, तू ऐसा करके कॉल रिसीव करके मोबाइल रखते, वो हमारी बातें खुद ही सुन लेगी। ये सही कह रहे तू, अभी आने देखो। आई 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 आई, आई, आई। अबे हुमा है यार, कह रही है रिश्ता लाओ रिश्ता लाओ, कहाँ से लाऊं रिश्ता? मेरे दो बच्चे हैं, बीवी है मेरी, दुबई में थी, अब वापस आ गई है, हुमा भी ना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हैं? इससे ज़्यादा और क्या अंदर आओगी? इसके बाद तो कमरा ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा तुम हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो मुझसे? मैं तो तुम्हारे लिए चाय लाई थी। हैरत है, आज कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं निकल गया? अच्छा वो मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम शाम को शॉपिंग पर जाएं। भला ऐसी कोई खुशनसीब शाम है जिसमें आपको शॉपिंग पे नहीं जाना हो? दानिश प्लीज़, हम अच्छे कजिन्स भी तो बन सकते ना, तुम हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हो। कहीं किसी ने मेरी झूठी लॉटरी निकलने की खबर तो नहीं सुना दी तुम्हें? अच्छा तुम शाम को रेडी हो जाना, हम साथ चलेंगे। पर टाइम तो तुम लड़कियों को लगता है, हम लड़कों को थोड़ी। अच्छा वो मैं पूछ रही थी कि मैं आज कौन से कलर का ड्रेस पहनूं? जो तुम्हारा दिल करे। तुम्हें पिंक कलर पसंद है ना, मैं आज पिंक कलर का ड्रेस पहनूंगी। बहुत होशियार बनती थी ना, चार साल में कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन तुम हर वक्त तैमूर तैमूर तैमूर। मुझे क्या पता था वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। बेटा माँ का कहना तो तुमने कभी सुना नहीं, क्योंकि सारे जहान की अकल तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुमसे अच्छी तो ये सना है, आज भी दानिश इसको शॉपिंग पे लेके गया था। घर का बच्चा है, समझदार है, लेकिन नहीं, तुम पर तो उस तैमूर का भूत सवार था। अम्मी अब छोड़े जाने भी दे, जो हुआ सो हो गया, अब क्या फायदा ये सब बातें सुनाने का? मेरा तो खून खौल रहा है ना, सारा जमाना मजाक उड़ाएगा कि माँ तो सबको इशारों पे ना चाहती है और बेटी बेटी दो टके के लड़के के हाथों बेवकूफ बनकर आ गई। आपको क्या लगता है दानिश तनु से शादी कर लेगा? आपकी सोच से ज्यादा चला के वो। तुम्हें मोहब्बत में धोखा मिला है, तुम मुझे क्यों बद्दुआ दे रही हो? अजाब बन गई है मेरे लिए ये लोग, शायद कभी मेरी बात टालेगा, हरगिज भी नहीं। कब से इंतजार कर रही हूँ? क्यों खैरियत? खैरियत क्या, गरम गरम समोसे बनाए थे तुम्हारे लिए। क्यों और लोगों ने नहीं खाया? फिर मजाक, दानिश कभी सीरियस भी हो जाया करो, हर जब देखो मजाक करते रहते हो, हद होती है। तुम्हें एक बात बताऊं, वो कमाल का फोन आया था। अरे वाह, कहाँ है वो, कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, वो मुल्क छोड़कर चले गए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं और कह रहे थे कि दोबारा रिश्ता भेजेंगे। पर क्या, एक तो आप वहम क्यों पालते इतना? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आप एक काम करें, उनको रेस्टोरेंट बुलाते हैं, फिर साथ में लंच करेंगे, ठीक है? ठीक है। एक बात तो बताओ दानिश, कि आजकल
अम्मा बेटियां तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? तुम्हें मालूम है रजिया भाभी कह रही थी कि इन्होंने पहले मेरे शौहर को मुझसे अलग कर दिया और अब मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। सब खैरियत तो है? जितना आप और अम्मी मुझे बेवकूफ समझते हैं ना, इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं। नहीं दानिश, तू नहीं जानता, ये माँ बेटियां बहुत तेज हैं। ओ फुफो, मुझे आपसे इन बातों की तवक्का नहीं थी। हद है। क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रहा है? चल समोसे खा। क्या बात है अम्मी, फुफो तो बड़ी खुश नजर आ रही है। पहले तो कभी मुस्कुराती भी नहीं थी और अब हर दम खिली खिली नजर आ रही होती है। तुम क्यों फिक्र करती हो, होने तो खुश। मुझे अच्छी तरह आता है ऐसी चिड़ियाओं के पर काटना। वो कैसे? बात हुई है मेरी रिश्ते वाली से, उसने एक रिश्ता बताया हीरा के लिए, मैकेनिक है लड़का। सोच लीजिए अम्मी, कहीं इस तरह आपकी पोजीशन दानिश की नज़रों में ख़राब ना हो जाए और फिर वो सना से शादी। खैर इस उम्र में तो कोई शहजादा आने से रहा। वैसे चचा राजी हो जाएंगे? तुम क्या अपनी माँ को नहीं जानती? मैं खूब जानती हूँ कि रोज़ रोज़ ये दानिश के साथ कहाँ जाती है। यू आर जीनियस अम्मी, क्या कमाल वापस आ गया फिर पप्पू की लाइफ में। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, होगा तो वही जो मैं चाहूँगी। अम्मी देखे, मुझे तो लगता है मामू को जेल भेजने की चाल भी दानिश की थी। आप लिख कर ले लें, वो सना से शादी नहीं करेगा। आने दो शाहिद को, बात करती हूँ इससे मैं सना और दानिश के रिश्ते की। मेरा भाई तो 6 माह की जेल काट के आ गया ना, अब लगाती हूँ हीरा को भी ठिकाने। जाग रही? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब मैं आ गया हूँ, जाओ सो जाओ। मैं खाना गर्म कर दूँ? मैंने ऑफिस में खा लिया था, तुम जाके सो जाओ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यार सुबह कर लेना। नहीं अभी करनी है, बहुत ज़रूरी बात है और मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हमदर्द ओके बोलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम्हारी अम्मी चाहती क्या है, क्यों पड़ी इन गरीब लोगों के पीछे? मैं तो खुद परेशान हूँ कि अम्मी और हुमा आखिर चाहती क्या है। फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बर वक्त आगाह करने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, मैं अम्मी और हुमा की तरह नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। ओके अब मैं जाऊँ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। दानिश कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे ही आइसक्रीम खाएं। मैं भी चलूं? श्योर। अच्छा तुम लोग यहाँ 10 मिनट रुको, मैं अभी तैयार कराती हूँ। अजीब है, बेटे क्या जरूरत थी इसको साथ लेकर चलने की। अच्छी लड़की है पप्पू। बहुत अच्छी लड़की है, आखिर है तो अम्मा की बेटी ना। देखो दानिश, मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे पता है इन तीनों माँ बेटियों को मैंने एक जैसा पाया है। मैं आपको सब बताऊँगा, आप परेशान मत हो और ना ही नाराज़ हो। इस बीमारी ने तो मुझे बिस्तर से ही लगा दिया है। दानिश आता है तो मैं बात करता हूँ। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे तुम? मैं कमाल अंकल के घर गया था। क्यों? अगले हफ्ते फूफो का निकाह है और उसी दिन रुखसती भी।
उससे पूछ रहा था, गवारा नहीं किया तुमने? क्या पूछूं मैं आपसे? हाँ क्या पूछूं? आपको अपना बहनोई, कभी जुवारी नजर आता है तो कभी कोई मैकेनिक, कभी आपने अपनी बहन पे भरोसा किया है? चुप कर जाओ दानिश। नहीं अम्मी, मैं यहाँ चुप नहीं करूंगा, मैं सारी बातें बोलूंगा। न जाने फुप्पो के कितने कीमती साल इन्होंने किसी की बातों में आकर बर्बाद कर दिए, और अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, मिसाना से नहीं दुआ से शादी करो, और ये मेरा आखिरी फैसला, इज दैट क्लियर? बहुत खुशसर हो गया ये। बस कर दे अम्मी, इतना रोएंगी, जो होना था हो गया। मुझे क्या मालूम था तुम्हारा बापा ऑफिस का कह के दूसरी बीवी के पास जाया करता था। अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, फुप्पो का निकाह हो गया, और दानिश की दुआ से बात पक्की हो गई। वही सब हुआ जो आप नहीं चाहती थी। अम्मी अब हमारा वक्त गुजर चुका है। अम्मी सना बिल्कुल सही कह रही है, चच्चा बिस्तर पे क्या पड़े कि चच्ची, दानिश और पुप्पो तीनों ने अपनी मनमानियां कर ली। और वैसे भी आखिरकार दानिश है भी तो चच्चा का ही बेटा, उन्होंने माफ कर दिया उसे। अम्मी अब आप हमारा सोचें, हमें दानिश से बना कर रखनी होगी ताकि हमें दो वक्त की रोटी मिल जाए, और अगर हम इस घर से गए ना तो दर पदर हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, हमारा वक्त गुजर गया। वक्त की मार बड़ी सख्त होती है, हमने जो बोया था वही काटेंगे हम जिंदगी भर। Oh, my God.